पुलिस ने 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शातिर दंपति को दुर्ग पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। बता दें कि बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों को ठगने वाले दंपति को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई बैंक की पासबुक बरामद की। वहीं दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी 2012 में CS इनोवेशन इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी में काम की शुरुआत की थी। विभिन्न लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस प्लान किया। इसी दौरान 2013 में भिलाई निवासी दुलार सिंह से संपर्क हुआ। इसके बाद कई कंपनियों का इंश्योरेंस दुलार सिंह के नाम पर किया। हालांकि कंपनी वर्ष 2016 में बंद हो गई। इसके बाद भी वह लगातार ठगी करते रहे। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। स्टील प्लांट के एक रिटायर्ड एम्प्लॉय से 8 साल पहले इंश्योरेंस के नाम पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए गए और उसके बाद इंश्योरेंस के कंपनी के आदमी बनकर लगातार उनसे पैसे डलवाए गए और टोटल 1 करोड़ 23 लाख की ठगी हुई है। इस ठगी में जो मास्टरमाइंड थे पुरुष और महिला, उनको दिल्ली जाके दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके सारे अकाउंट्स जो हैं ब्लॉक किए गए हैं और उनके द्वारा कुछ प्रॉपर्टी जिसमें खरीदी गई हैं उन प्रॉपर्टीज़ का भी कुर्की करा के इनको पैसा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।